नमस्कार भाइयों, जय गो माता, जय गोपाल। आदरणीय हितेश जी, भाई साहब आज एक दो दिन से इस क्षेत्र में है और इस क्षेत्र में जो गो माता इन्होंने देखी और जो लोगों का प्यार देखा, तो उसके बारे में जानते हैं भाई साहब को कैसा लगा। भाई साहब, यहाँ का जो गो संवर्धन का जो कार्य हो रहा है उसके बारे में आप कुछ कैसा लगा? मतलब हर घर में आपको 10-20 गाय दिख रही है, हर घर से आज 100 लीटर 50 लीटर दूध जाता है, एक रोजगार का साधन भी लोगों के लिए है, तो कोई ऐसा विशेष, जैसे आपने मुझे बात बताई कि महिलाएं भी एक साथ पति पत्नी लग के दोनों तरफ से दूध दूहने लग जाते हैं, और आज मिनी डेनमार्क कहूँ लूणकरण सर को तो भी कम नहीं होगा, इस क्षेत्र में 2.5 लाख लीटर के लगभग दूध इकट्ठा हो रहा है, और बाकी सारे उत्पाद भी जैसे खोया पनीर, यहाँ से चीज और इस तरह के उत्पाद भी यहाँ पे बन रहे। तो मैंने जब यहाँ आके देखा तो मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि शायद जिस हिसाब से A2 मिल्क का शहरों में प्रचार प्रसार है तो बहुत बड़ा किस तरीके से हो पाएगा, क्योंकि शहरों में उतनी जगह नहीं है और डेयरी वाले लोग भी उतने उत्सुक नहीं है। और जब मैं रास्ते में आया तो मध्य प्रदेश से होते हुए कुछ राजस्थान के भी पट्टे में या महाराष्ट्र के कुछ पट्टों में, तो हर जगह मैं कुछ ऐसे मुझे मार्केट दिखे जिसमें भैंसों का बहुत भरमार थी, देसी नस्ल की गाय देखने को नहीं मिल रही थी। मुझे ऐसे लगा कि मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान बॉर्डर पर जहाँ चारे की व्यवस्था नहीं है, इतना ग्रीष्म, इतना गर्मी का काल भी बड़ा रहता है, वहाँ पर पानी की भी सुविधा नहीं है, तो ये लोग कैसे करते होंगे। और ये शायद पुरानी बातें होंगी कि इस एरिया में राठी और सहवाल का संवर्धन होता था, तो ऐसा वीडियोस देखने के बाद में मुझे ऐसा लगता था कि शायद कुछ अतिशयोक्ति बातें हो रही होंगी। लेकिन जब मैं यहाँ पे घूमा इंटीरियर में तो मैंने देखा कि लोग 7-8 महीने तो केवल जो बारिश का पानी होता है, यहाँ पे ग्रेजिंग लैंड बहुत है तो गाय उसी में चर लेती है, इसलिए खर्चा नहीं होता है, और पंजाब से बाकी जो चारे की व्यवस्था है वो यहाँ के गोपालक करते हैं। और हर घर में मैंने देखा है कि यहाँ जो जाटों के जो विशेष गांव है उसमें हर घर में कहते 15 से 20 गाय 25 गाय, छोटे छोटे रेवड़, बड़े बड़े रेवड़ है, और वो लोग गायों को ऐसे मतलब कहीं कोई बड़े पेड़ के नीचे बैठी हुई है, ऐसा रण में चल रही है, खाने को नहीं मिल रहा है। जो हमारी पश्चिमी राजस्थान में कुछ ऐसी परिस्थिति है जहाँ हम लोग थार पार कर और कांकरेज का नहीं कर पा रहे, ऐसा राठी के क्षेत्र में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो गोपालक है वास्तव में गोपालन का बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उसी के कारण इनकी जो गाय है वो अच्छा रोल अदा कर रही है। और शायद भविष्य में जो भारतीय देशी गोवंश के बारे में जो लोग सोचे हैं तो मुझे लगता है कि राठी और सहवाली एक ऐसी ब्रीड है जो कहते प्रथम या द्वितीय स्थान पर रखेगी, और देशी गोवंश की कहते जो A2 मिल्क की जो आज की जरूरत है उसको शायद पूरा यही कर सकता है। मैंने ऐसे कई घरों में लोगों के यहाँ ऐसे बड़े बड़े खोआ घोटने के, मावा बनाने के जो पॉट देखे, तो घरेलू काम है, और पीपों में मना मना के 15-15, 20-20 किलो के पैक करके बीकानेर भेजते हैं। जो बीकानेरी मिठाई हो जो फेमस दिख रही है मुझे, वो उसका कारण भी मुझे ऐसा लगता है कि ये गोपालक है, इसीलिए कहते हैं ये क्षेत्र बहुत समृद्ध है इस मामले में। बिल्कुल सही बात की भाई, जो आपने कि बीकानेर में आज मिठाई का इतना आज क्रेज हुआ है और मिठाई का इतना माहौल बना है, आज मिठाई बिकाने की प्रसिद्ध हुई है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ही ये लूणकरण सर और इस क्षेत्र का जो ये दूध है जो इस गंगानगर के और बीकानेर के आसपास के, सबसे बड़ा कारण यही है। तो भाई साहब, जो मैं भी महसूस करता हूँ यहाँ आके, किसी भी क्षेत्र में जाओ, भले गुजरात जाओ, भले और कई क्षेत्रों में जाओ, इतने बड़ी मात्रा में गोमाताओं का हर्ड रखने वाले लोग, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत लंबे समय तक अगर आप घूम रहे हैं तो आपको कहीं HF या जर्सी ऐसा कोई हर्ड नहीं मिलेगा, ऐसा कोई बुल नहीं मिलेगा जो क्रॉस है। यहाँ मैं किसी को पूछता हूँ कि ये बुल आपने कहाँ से लाया, तो बोले मुसलमानों से लिया है बॉर्डर पे जो रहते हैं। तो लगभग पहले मुझे ऐसा लगता था कि शायद गांव में एक नंदी होगा, ऐसा एक अच्छा बाहर कोई नंदी दिखा नहीं, तो मैंने देखा कि इनके पास नंदी की व्यवस्था कैसे है, शायद AI से कर रहे होंगे, लेकिन हर घर के बाड़े में बड़े बड़े नंदी यहाँ संवर्धन हो रहे हैं और अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं लोग। ऐसी बात नहीं है कि भाई एक ही नंदी है और सब गाँव के अंदर बाकी सब गायों से हो रहा है, तो हर एक के पास अपने अपने क्वालिटी का अच्छा अच्छा नंदी है। तो मेरे को लगता है कि भारत की जो कहते दूध उत्पादन की जो A2 मिल्क की जो कहते जो चाहिए वो इससे ज़्यादा संभव है राठी और सहवाल से। इसमें राठी विशेष रूप से बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे है और शुद्ध रूप में है, अभी तक इसके अंदर उतना ज़्यादा ये नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे चारवाई की व्यवस्था ज़्यादा है। और मैंने जो कुछ परिवार से बात की तो उनने कहा कि राठी हमारे लिए देवी तुल्य है, मतलब उनके लिए ये धार्मिक विषय है, और स्पेशली राठी नस्ल के बारे में, जैसे गुजरात में लोग गिर के बारे में सोचते हैं, महाराष्ट्र में लोग गावला के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों का इनके प्रति भी बहुत ज़्यादा चाव देखा मैंने। तो बिल्कुल वैसा आपने सत्य बात कही, क्योंकि जो नंदी रखते हैं आप, जैसे इस घर की बात करें,
इनके घर में आज 10-20-30 गाय है, फिर भी अपना खुद का नंदी है। जो नंदी ही बदलाव लाएगा और नंदी से ही आने वाली नस्लें सुधरेगी, तो इस तरह के प्रयास धीरे धीरे इन क्षेत्रों में और ज़्यादा हो रहे हैं। बीच की पीढ़ी में थोड़ा कम हुआ पर वापस अब लोगों में एक समझ आई है, तो इस माध्यम से ही जो देशी गोवंश को बचाने का जो प्रकल्प है और जो सोच है वो पूर्ण होगी। और बचाना क्या, ये तो हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारी ज़रूरतें भी है। जिस तरह से हम बीमारी से मर रहे हैं, जो हमारे हालात हो रहे हैं और जो पारिवारिक दुख हम भूग रहे हैं, उस सभी का इलाज सिर्फ इस देशी गोमाता से ही संभव है। तो भाई साहब, आपको इस क्षेत्र में मतलब आके पूरा आनंद आया, अच्छा लगा पूरा, क्योंकि आपको तो गोमाता से बहुत प्रेम है। हाँ। और आप संघ से भी जुड़ के गोमाता के किसी भी विषय पे जब आधी रात को भी कोई कहे तो आप तैयार रहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब हमारे नागपुर में कुछ ऐसे गोप्रेमी हैं जो अभी राठी नस्ल में काम करना चाहते हैं, जैसे कि विश्वास सहकारी संगठन है और जो डॉक्टर निमकर द्वारा संचालित है, और उसमें डॉक्टर पाठक और सतीश राजू जी सर भी कहते बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि उन्होंने केवल राठी सहवाली क्यों चुना, राठी क्यों चुनी, गिर क्यों नहीं चुना, लेकिन यहाँ मुझे आके देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इनका जो चयन था वो बहुत सही है, क्योंकि यही शुद्ध रूप में बहुत सारी क्वांटिटी मिल सकती है, क्यों, और ज्यादा भाव भी नहीं है। 40-50 हजार रुपए में आपको एक बहुत अच्छी गाय मिल रही है। और जनरली यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हर गाय के 5-6 लीटर दूध टाइम का मतलब आसानी से मिल जाता है, ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती। और दूध का और ये ऐसी रेगिस्तान की परिस्थितियों में जन्मी हुई गाय है जो भारत के कोई भी स्थान पर चलते अपना जलवा बता सकती है। ये सबसे बड़ा कारण जो वैसा मुझे लगता है इस क्षेत्र का एचएफ जर्सी नहीं है, उसके कारण कि इन गायों में दूध देने की क्षमता थी, 8-9 लीटर तक दूध पीढ़ी में आके दे देती थी, बीमारी कम होती थी, तकलीफें इन गायों को कम होती है, तो इसलिए इन लोगों को आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि एचएफ जर्सी को लाए। तो धीरे धीरे संवर्धन और सारी चीजें बढ़ ही रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका हमेशा मेरे जीवन में बहुत आशीर्वाद रहा है, ऐसे ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम है, जय गोमाता, जय गोमाता।